बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं डोंगरी SVP रोड के ऊपर, जहाँ पे आज नवी की रात है, मुहर्रम की बहुत बड़ी रात है। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में किस तरीके से यहाँ पर जुलूस जो है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में। और आज के रात में हमारा भी बॉम्बे प्रेस का चैनल जो है वो शुरू हुआ था। गए साल हमने पहला वीडियो हमने अपना अपलोड किया था हमारे बॉम्बे प्रेस की। और दुआ करते हैं, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है हमें, कि ऐसे ही हमारा चैनल जो है आप तक जो है हर खबरें पहुंचाया करें। हम भी कोशिश करेंगे। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ के लोकल्स कुछ मौजूद हैं, इम्तियाज़ भाई, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आज नवी रात को बॉम्बे प्रेस में सर आपका स्वागत है। जैसा कि आज नवी की रात है, मुहर्रम की, तो लोग जो है किस तरीके से मतलब कोऑपरेट करते हैं यहाँ पर, क्या है वो बताइए। आज शबे आशूर है, नौ मुहर्रम है, और हमारे सारे मुसलमानों के लिए बड़ा गम का दिन है। आज रसूल के नवासे की कल शहादत हो जाएगी, तो आज की रात इमाम हुसैन ने इबादतों में गुजारी और यजीद से एक मुराद का मौका लिया कि हमें एक रात का मौका दे ताकि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। और पूरी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे से सिर्फ अल्लाह की इबादतों की आवाज़ें गूंज रही थी, और ये बता रहा था, इबादतें ये बता रही थी कि कौन हक पे है कौन नाहक पर है। इमाम हुसैन की शहादत से आज पूरी दुनिया में लोगों में इंसानियत का पैगाम पहुंचा। अगर आपकी शहादत नहीं होती तो आज बड़े छोटों का फ़र्क ख़त्म हो जाता। लोग मौला अली असगर की शहादत जिस तरह से हुई है वो ये बताती है कि सामने वाले शैतान थे जिन्होंने 6 महीने के बच्चे को भी प्यासा रखा, तीर मारा। तो ये शहादतें लोगों को इंसानियत सिखाती है, इंसानियत का पैगाम देती है। आज हम अपने एरिया में हमारे राजू भाई हैं, हमारे नबी मियाँ हैं, और यहाँ के सारे लोग और यहाँ के पूरे सारे पुलिस अहलकार मिलकर यहाँ लाखों पब्लिक को इतनी प्यार और मोहब्बत से, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मसला ना आए, कोई शरबत बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई उसकी हेल्प कर रहा है, कोई एम्बुलेंस ला रहा है, कोई ट्रैफिक कर रहा है, तो ये बता रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है इंसानियत लोगों के दिलों में भर गया है। और यही 10 दिन हमें बाकी के 355 दिन मोहब्बत के आदाब सिखाता है। जैसा कि यहाँ पर डोंगरी पुलिस स्टेशन का किस तरीके का बंदोबस्त दिया गया है, इस बारे में क्या जानकारी दोगे? डोंगरी पुलिस स्टेशन, जे पुलिस स्टेशन, हमारे ACP, हमारे DCP, हमारे साउथ रीजन के सारे ऑफिसर ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, और हमें लगा ही नहीं कि ऐसे इतने लाखों के पब्लिक ऐसी गुजर गई। बहुत अच्छा सपोर्ट पुलिस का, यहाँ पे BMC का, प्रशासन का, ITO का, आप सब का, आप बॉम्बे प्रेस का। आज मेरा दूसरा साल है बॉम्बे प्रेस में, तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम। से बात करने के लिए धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं राजू भाई से, जो कि हर मौके पे हमें नज़र आते हैं, जो कि कहीं त्योहारों में हमने भी इन्हें देखा है, चाहे वो गणपति हो, चाहे वो मुहर्रम हो, रमज़ान शरीफ हो, कोई भी त्यौहार रहते हैं, इनकी टीम जो है यहाँ पर छूट जाती है लोगों की मदद के लिए। आइए हम राजू भाई से कुछ जानकारियाँ लेते हैं। राजू भाई, जैसा कि आज मुहर्रम की नवी रात है, तो इस बारे में क्या जानकारी दोगे आप? बड़ी रात है और कल आशूरा है, तो माशाल्लाह पूरे बॉम्बे, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर। किसी को रास्ता मालूम होता है नहीं होता है, सही स्पॉट पता होता है नहीं होता है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं ये पुलिस के साथ उनकी मदद करते हैं कि आपको ये रास्ते से जाना है और यहाँ से जाना है, कौन सा साइलेंट जोन है, कहाँ आप अपने को आज़ादी से जा सकते हैं, या कहाँ लंगर बट रहा है, कहाँ शरबत बट रहा है। और गाड़ियों को भी हेल्प देना पड़ती है क्योंकि बच्चे भी रहते हैं यहाँ पर, बाइकें बहुत रहती है, हमारा एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है, वो हिसाब से बस ये बड़ी रात बहुत माशाल्लाह देखो रौनक तो कितनी है, आपने बताया है, फर्स्ट क्लास डोगरी पुलिस का बंदोबस्त है और बहुत अच्छे से जा रहा है सर। और कितने लोगों की आपकी टीम है सर, इस बारे में क्या बताओगे? हम लोगों को 30 लोगों को पुलिस स्टेशन से कार्ड मिलता है, लेकिन एट प्रेजेंट 15-13-14 लोग रहते हैं क्योंकि काम धंधे पे भी जाना पड़ता है उस हिसाब से। और क्या बताना चाहोगे? बस बताना चाहेंगे कि भाई 10 दिन आप यहाँ आके देखो माहौल कितना अच्छा रहता है, कैसे लोग अपने जिनको जो करना है वो कर सकते, कोई इधर वो नहीं है, छूट है, जिसको जैसे रहना है
और पुलिस भी बहुत कोऑपरेट करती है, क्योंकि छोटी छोटी बात पे उनको शामिल होना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बस बहुत अच्छे से, लेकिन सब कुछ हो जाता है। जैसे अगर राजू भाई, अभी दो दिन के बाद में गणपति विसर्जन भी है, तो उस बारे में बताइए कि आपकी टीम वहाँ पे मतलब मौजूद रहेगी? जी रहेगी ना, हमको स्पॉट दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पॉट को आपको संभालना है, कि जहाँ पर बाइकों का ज़्यादा आना जाना रहता है, तो हम लोग वहाँ स्पॉट संभाल लेते हैं। और अभी तो 7-8 साल से हम करते आ रहे हैं, तो हमको एक वो हो गई, प्रैक्टिस हो गई है। फिर से बात करने के लिए धन्यवाद। आइए हम और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम? मलिक सैयद। मलिक जी, क्या बताना चाहोगे आप? मैं क्या बताना चाहूँगा, हमारे जो कुछ भी बात हमारे राजू भाई ने बता दिए, इम्तियाज़ भाई ने बता दिए कि हमारे इलाके में इतना अच्छा माहौल रहता है, शिया सुन्नी का नहीं कुछ नहीं होता है, कि शिया सुन्नी का माहौल ऐसा नहीं होता कि हम मिलजुल के एक दूसरे को ऑपरेट करते हैं। कोई ऐसा अगर कोई शरारती शरारत करने की कोशिश भी करता है तो हम लोग बैठ कर उसको उसका सोल्यूशन निकाल कर उसको मतलब ख़त्म कर देते हैं, ताकि कोई शरारती तत्व आके कोई ऐसी शरारत ना फैलाए जिससे कि मामला ख़राब हो जाए। इसलिए हमारी कोशिश, हम लोग यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे यहाँ रहते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पूरा प्रोसेशन 10 दिन का, एक्चुअल मीन्स लास्ट 4 दिन का ज़्यादा रहता है, 7, 8, 9, 10, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात पैदा ना हो जिससे कि पुलिस वालों को भी परेशानी हो और यहाँ के लोगों को परेशानी हो। हम कोशिश करते हैं कि सब एक माहौल सुकून और शांति से ये त्यौहार निकल जाए। तो कितने साल से अब जुड़े हुए हो? हम तो ये 4-5 साल से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, 5-6 साल से हम यहाँ पे, हम लोग हमारी ये परमानेंट ड्यूटी यहाँ पर हम लोग लगा रखी है कि अपने अपने स्पॉट को देखो। अच्छा, जैसा कि मोहर्रम और गणपति जो है आगे पीछे एक साथ में आया है इस बार, ठीक है, वह साल भी था, तो पुलिस को किस तरीके का मतलब बंदोबस्त लगाया है पुलिस वालों ने? ये चीज़ तो पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि उनको जब दो दो जगह देखना पड़ता है, जिसके लिए उनको काफ़ी दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, हम अपने अपनी जगह जहाँ उनकी बंदोबस्त वहाँ देखिए, बाकी का हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। और कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर संभालें, हमारी टीम जो यहाँ पर जैसे राजू भाई, इम्तियाज़ भाई, हम लोग और 2 से 10-15 लोग हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये कोई ऐसी बात पैदा ना हो। कुछ साल पहले कोई ऐसा शरारती लोग, बाहर के लोग आके शरारत करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग ख़त्म कर देते ताकि वो आगे बात ना पड़े। और जैसा कि हमारे मुंबई पुलिस के कहीं कर्मचारी जो है वो अपने मतलब ना ही तो दिन देखते हैं ना ही रात देखते हैं, लोगों के तैनात के लिए तो बहुत तैयार हो जाते हैं, और ना ही तो अपने परिवार के साथ में कोई जश्न मनाते हैं, ना ही तो कोई त्यौहार मनाते हैं। इस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, इनके बगैर तो हम लोग कोई प्रोग्राम या कोई त्यौहार मना ही नहीं सकते, क्योंकि इनका इतना हमारा सपोर्ट है और इनका हमारा समर्थन है कि इनको हम लोग सल्यूट करते हैं, कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं इनको हम लोग सल्यूट करते हैं, कि इनका हमारा साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। भूमि प्रेस से सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये हमारे ऑफिसर हैं। जैसा कि हमारे साथ में सर भी खड़े हैं, हम बात करते हैं इंडुगर साहब से, डोंगरी पुलिस स्टेशन के PI इंडुगर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज जो नवी रात का जो बंदोबस्त दिया, इस बारे में क्या बताना चाहोगे? कुछ नहीं, ये तो 8-10 दिन से चालू है बंदोबस्त, बहुत अच्छा लग रहा है कि त्यौहार अच्छी तरह से हो रहा है। आज जैसा कि गणपति और मोहर्रम जो है एक साथ में मतलब त्यौहार जो आया है, तो इस बारे में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? नहीं नहीं, हम लोग अपना बंदोबस्त डिवाइडेशन करते हैं, किसी को और जिम्मेदारी दिया जाती है तो वो लोग गणपति का संभालते हैं, हम लोग मोहर्रम का संभाल रहे हैं। तो दोनों त्यौहार जो है बहुत अच्छे से हुआ, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग कर रहे हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे पटेलवा साहब, आइए हम पटेलवा साहब से भी कुछ जानकारी लेते हैं। सर, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज नवी की रात है और बहुत बड़ा रात जो है, आज काफ़ी जुलूस है यहाँ पर निकले गई है, इस बारे में क्या बताओगे? क्या किस तरीके का यहाँ पर बंदोबस्त दिया गया? देखिए, अभी 1 तारीख से, अभी 9 तारीख है आज, रात को 4-4 बजे तक बंदोबस्त चलता है। अभी काफ़ी अच्छे तरह से बंदोबस्त हो गया है। सब इधर डोंगरी में जो रहते लोग, सब लोगों ने एक ऑपरेशन किया है, और पुलिस का बंदोबस्त तो है, बाहर का आने वाला डोंगरी चौकी का बंदोबस्त सब अच्छी तरह से हो गया है। अभी कल का एक लास्ट दिन है मोहर्रम का, और गणपति का 2-3 दिन है अभी बाकी, तो सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, मोहम्मद ब्रिज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि
बताया गया है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से जुलूस जो है निकला गया है नवी की रात का और कल आशूरा का दिन है। और बॉम्बे प्रेस को इस तरह सपोर्ट कीजिए कि हम हर खबर जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो है न्यास भट्टा जा रहे हैं, हम खड़े हैं डोंगरी एसवीपी रोड के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है अब्बास भाई पेपर वाले, जो कि डोंगरी पे काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं यहाँ पर और इन्हें अक्सर जो है सोशल वर्किंग में इनको और इनके भाई को देखा जाता है। आइए हम अब्बास भाई से कुछ जानकारी लेते हैं। अब्बास भाई, जैसा कि आज आशूरे की रात है और काफ़ी पुलिस का बंदोबस्त भी दिया गया, काफ़ी लोग भी यहाँ पर है, तो किस तरीके से आप लोगों को लोगों को जो है वो संभालना पड़ता है, इस बारे में क्या बताओगे? मैं पब्लिक का भी कोऑपरेशन हम लोग को मिलता है, उसमें पुलिस का भी कोऑपरेशन हमारे साथ में बहुत अच्छा है। हम लोग पब्लिक को जो बोलते हैं पब्लिक मानती भी है और ये तो आज़ाद है इमाम हुसैन है, उसमें पब्लिक आती है और हम लोग को भी सपोर्ट करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है करके हम लोग के साथ काम। और जैसे कि इस बार जो है गणपति और मुहर्रम जो है साथ में है आगे पीछे जो है, तो पुलिस को किस तरीके से लोगों का बंदोबस्त रखना पड़ता है, इस बारे में क्या जानकारी दोगे आप? पुलिस ने तो बहुत अच्छा बंदोबस्त दिया, उनको तो डबल ड्यूटी करना पड़ा, उनका तो हम बहुत ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे को। उन लोग डबल ड्यूटी करके भी आके हमारे साथ में सपोर्ट करते हैं हमारे को करके। अच्छा, हर साल जो मतलब आप न्यास जो रखते हो, तो इस साल भी आपने न्यास रखा है, तो ये मतलब आप लोगों की तरफ से होता है कि मतलब आपके कोई सब कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सब दोस्त लोगों है, हम लोग की पूरी कमेटी है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा होता है, इसके तहत हम लोग करते हैं सब। आइए हम और कुछ लोगों से भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? असद अली। असद अली जी, क्या बताना चाहोगे आप? कुछ नहीं, बस आप देख रहे हो यहाँ इमाम हुसैन के नाम पे सब एक आवाज़ लगा के सब लोग यहाँ जमा हैं और जो भी जो यहाँ पूछेंगे किसको भी सबका एक ही नारा है कि हम जो है वो दुनिया में जहाँ भी जुल्म होगा हम उनके खिलाफ है, चाहे वो यमन में हो, इराक में हो, सीरिया में हो, किधर भी हो, हम उसके खिलाफ है, जो इमाम हुसैन का आलमी मैसेज है, वर्ल्ड मैसेज। क्या उसे बस यही के इमाम हुसैन का मैसेज ही यही है कि अगर तुम कहीं भी जुल्म को देखो तो तुम्हारे को आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारे शहर में हो, तुम्हारे कंट्री में हो, या दुनिया में हो, या तुम्हारे घर में हो, कहीं पे भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारी जिम्मेदारी, यही सबक आज की रात से हमको जो है वो इमाम हुसैन से लेना है। जैसे कि आशूरे की रात है, नवी की रात है, तो लोग जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे मुमरा, गवंडी और भी कहीं लंबो से लोग जो है यहाँ पर सुबह से आते हैं, तो आपकी टीम ने उन लोगों के लिए क्या सहायता रखा है? यहाँ पे जो भी है बहुत सारे लोग हैं दूसरे वॉलेंटियर जो उनके लिए यहाँ पे बंदोबस्त करते हैं रात रुकने का, उस तरफ बस की सहायता है, बस का बंदोबस्त है, यहाँ पे रुकने का बंदोबस्त है, पाला गली में वगैरह सब रिफ्रेशमेंट वगैरह का सब बंदोबस्त पूरी रात यहाँ पे रहता है कुछ ना कुछ। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहसिन जाफर अली। मोहसिन, आप क्या जानकारी देना चाहोगे? बस ये इमाम हुसैन का मैसेज है, हिल मिल के रहो, पीसफुल रहो और आज़ादारी के कोऑपरेट करो, वॉलंटियर लेडीज लोग के सब जान नियाज में सब मतलब सब रिश्ते पीसफुल हो जाएगा काम। और मैं किस तरीके को कुछ मतलब आनाकानी कुछ ऐसा मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो अभी तक, सब शांति से हुआ है, सब खैरियत से हुआ है, अभी कोई अच्छे से हुआ, मिलजुल के कर अब मिलजुल के कर अब शांति। मोहसिन में आप बताइए, इसके अंदर सब कम्युनिटी मिलजुल के सबका ताउन रहता है, शिया सुन्नी सब मिल के काम करते हैं, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ इस साल और हर साल माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। डोंगरी पुलिस स्टेशन ने क्या सहायता दी लोगों के लिए? डोंगरी पुलिस स्टेशन का बहुत 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 कोऑपरेशन, मुहर्रम के पहले से पूरा अरेंजमेंट चालू रहता है, सब कार्ड बांट देते हैं, वॉलंटियर्स बना लेते हैं, तो उनके पुलिस वालों को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। अच्छा, जो न्यास जो बांटी जा रही है पूरी रात तक चलता रहेगा कि कुछ टाइमिंग है? ये पूरी रात चलते रहेगा इंशाल्लाह, पूरी रात लंगर चलता रहेगा, पूरी रात चलता रहेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरी रात जो है यहाँ पर न्यासों का जो है लंगर चलता रहेगा और देख सकते हैं कि कहीं हजारों और लाखों की तादाद से यहाँ पर लोग हैं। हमारे कैमरे में आपको बताया जाएगा, ये डोंगरी एसवीपी रोड है और यहाँ पे पीछे ही केसरबाग करके एक हॉल है, वहाँ पर ही मातम किया जाता है और काफ़ी लोग जो है वहाँ पर झूठे रहते हैं और शिया और सुन्नी जो है एक साथ में मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं इस एरिया में। आप देखिए हमारे कैमरे में काफ़ी IVT और काफ़ी पुलिस के कर्मचारी जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं लोगों की मदद के लिए। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान।
बॉम्बे प्रेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।